और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो कमेटियां, जो सरकार भी चाहती है कि निगरानी कमेटियां बने, गांव का हर नागरिक, पूरे हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक जागरूक हो, और जो सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हर गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आपका एक सहयोग जो सरकार के साथ है, उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को और कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। करीबन 3.25 साल के आसपास आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं साथियों, उसको हो चुका है। मेरे से पहले, क्योंकि जो बावनी में हमारा बड़ा गांव डांगरा भी, ढाईगढ़ा भी आता, हमारा भाईचारा भी, और मेरे से पहले कई वक्ताओं ने मेरे बारे में बताया, मैं उसमें थोड़ा सा अपने बारे में मैं भी बताना चाहता हूं। आप ही की तरह, आप ही के जैसे गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य था किसान के घर में जन्म हुआ, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य था कि एक फ्रीडम फाइटर देशभक्त के घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादा साहब कैप्टन गुरराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और इस देश की लड़ाई लड़ी, इसको आजाद करवाया, और उन्हीं के संस्कार थे कि समाज के लिए हमें जो भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें अपने पारिवारिक ड्यूटियों को निभाते हुए उसमें हमारा सहयोग रहना चाहिए। वही परंपरा मेरे पिताजी ने किसानी में जितना भी होता है, क्योंकि तो दो फसलें हमारे पास होती हैं, फसल चक्र में दो या तीन फसलों में हम, अब तो थोड़ा आधुनिकरण है, तो चारा दान की बात हो, तूड़ी भिजवाने की बात हो, जो हमारे खरड़ गुरुकुल था, दुर्गा कॉलेज था, जैन समाधि थी, एक छोटा छोटा है योगदान, उसको कह सकता हूं कि हमारे परिवार में कोई बबली ने शुरू की सेवा, ये पहले से चली आ रही थी, मैंने तो सिर्फ उसको बढ़ाने का काम किया। एक किसान का बेटा से बली बात शायद और कोई नहीं जान सकता, मेहनत रंग लेके आती है। मैं जहां खेती करवाता था उस टाइम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ व्यापारिक तौर पर आगे बढ़ा, लेकिन सामाजिक जो जुड़ाव था, जो हमारी पीढ़ियों की धरोहर थी या पीढ़ियों का एक विचार था, पीढ़ियों की एक सोच थी, उसको आगे बढ़ाने में जब लगे हुए थे तो एक चौहान हल्के के लोगों को घूमी, एक समाज सेवी को उन्होंने राजनीति के इस अखाड़े में उतार दिया। पहला चुनाव में लड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, मैं चुनाव तो नहीं जीत पाया था, लेकिन एक मान सम्मान मैंने लोगों की नजरों में देखा, एक सम्मानजनक वोटें मुझे प्राप्त हुई। मैंने जो परंपराएं शुरू की थी, मोस्टली लोग चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, मैं एक बार लोगों की सेवा करते हैं, छोरी पटा देते हैं, वो ड्रामा कराते हैं, फोटो छपवा लिया और फिर विधायक बन गए, और फिर नू कहा भाई भी लग गया था इन्हें बटोरों के ऊपर। हम राजनीति में बटोरने के लिए नहीं आए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत ताकत लगती है, विरोध भी झेलने पड़ते हैं, बिना बनाए आपके जो विरोध हैं वो भी बहुत से, एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोच ली होती, यही बात शहीद आजम भगत सिंह ने सोच ली होती, यही बात चंद्रशेखर आजाद जैसे सूरवीर ने सोच ली होती, तो आज हम आजादी की हवा में नहीं बैठे होते। आज एक व्यवस्था परिवर्तन का समय है, और शुरुआत कहीं न कहीं से होती है, मेरे टोहल का भी शुरुआत किया सर, जो एक करप्शन घोर बढ़ के न, डीमक बढ़ के न चट्टे लग रहा है हमारी डेवलपमेंट को। सारी सरकारें बात करती रही है पहले से लेकर आज की सरकार, हमारी सरकार भी यही कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचाएंगे। अभी जो स्टेज पे बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने बताया कि इस गांव को आदर्श गांव घोषित आज से करीबन 2005 में किया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकार तरफ हम कैसे बढ़ाएं, उसका प्रयास गठबंधन में सरकार बनने के बाद बतौर विधायक मेरी टोहाना हल्का के लिए ड्यूटी थी, टोहाना वासियों को मेरी जवाबदेही थी, कोविड आया, उसके बाद दो साल समय ऐसे ही खराब हुआ, जो प्रगति विधायक होते हुए मैं टोहाना के अंदर लेके आना चाहता था, हम उस गति से चाहे प्रदेश में सरकार की बात करो, चाहे मैं अपने हल्के की बात करो, नहीं ले जा पा रहे थे। लेकिन 2022 के लास्ट में मेरे
देशवासियों का जो विश्वास था, उसी विश्वास में सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके सामने खड़े आपके भाई बेटे बबली को बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली। और जब मैंने बतौर मंत्री अधिकारियों के साथ बैठ के पूरे हरियाणा प्रदेश के बारे में जाना, तो मैंने महसूस किया कि कागजों में फाइलों में तो बहुत सी स्कीमें हैं, लेकिन इनको धरातल पर ले जाने की जरूरत है। और बहुत सी ऐसी और स्कीम्स हैं जिनको हमें नए सिरे से गांव में लेके जाने की जरूरत है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जो व्यवस्था परिवर्तन है उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और उसके लिए आम नागरिक जब तक जागरूक होकर अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालेगा और सरकारों के साथ खड़ा होगा, अगर वो गलत काम करके उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है। आज वही व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन रहे होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। आज हम गांव को नाली गलियों की एक मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। आज गढ़े वाटर जो हमारे दौर सामने मैं देख रहा हूं, हमारी जब पंचायतें बड़ी पंचायती राज के चुनाव हुए उसके बाद जिलावार गया, हमारे चुने प्रतिनिधियों से फीडबैक, लाइब्रेरी की बात पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी घोषणा की है वो हमारे प्रदेश में आपके भाई ने लागू करवाने का काम किया। आधुनिक जिम मेरे नौजवानों को मिले ताकि वो अपना हेल्थ को ठीक रख सके, ओपन जिम की व्यवस्था, व्यायामशालाएं बनाने की बात, गांव की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट लगाकर कैमरा देकर फिरनियों को ठीक करने की बात, महा ग्राम पंचायतों में शिविर व्यवस्था लगाकर एसटीपी लगाने की बात, गांव के अंदर पार्क बनाने की बात, जो शहरीकरण की बात हम करते हैं, और जो सबसे बड़ी बात जो कम्युनिटी सेंटर जिसको मैं कहूंगा मल्टीपल फैसिलिटी के लिए एक गांव के छोटे जो हमारी जिसको छोटी सरकार कहते हैं उसके लिए उसका मिनी सेक्रेटरी बनाने की बात, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो समय हमारे पास है या जो समय मुझे अभी एक सवा साल हो गए मंत्री बने हुए कि आने वाले एक डेढ़ साल में मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा और पूरा प्रदेश बदल जाएगा, लेकिन मैं ये गारंटी आपको देने लग रहा हूं, यह मेरा कार्यकाल आने वाली तीन पीढ़ियां याद रखेंगी कि उस टाइम का पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली होता। साथियों, ये नौ के नौ जो स्त्रीय कार्यक्रम की बात करता हूं, इनकी शुरुआत हमने धरातल पर ले जाना कर दी है। प्रदेश सरकार में जो हमारे ग्रामीण अंचल का जो बजट है पर कैपिटा, उसके हिसाब से गांव में एक पंचायती राज का अपना फंड है, एक गांव की अपनी इनकम है, उसके बाद जो सरकार गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है उसको हमें बांट के देना पड़ता है। आज जब ये मांग पत्र पढ़ रहे थे और आदर्श ग्राम टीवी को घोषणा 2005 में हुई, तो मैं चिंतित था कि 1947 में देश आजाद हुआ, 56 साल से ज्यादा हमारे हरियाणा प्रदेश को बने हुए होंगे, और सत्ता में जो लोग रहे मैं कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि कोई भी कार्य नहीं हुआ। 56 साल हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गए और ये मांग पत्र ऐसे लग रहे हैं कि पूरी कंस्टिट्यूंसी का मांग पत्र आपने मेरे सामने पढ़ दिया पूरे निर्माण के। तो साथियों, ये व्यवस्थाएं जो मैं परिवर्तन की बात करता हूं, हमें सीरे से चलना पड़ेगा, हमें स्कीम्स को समझना पड़ेगा। पंचायत बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, निगरानी कमेटी बनाइए, युवा क्लब बनाइए, एक्स मिलिट्री मैन को उनके साथ लीजिए, सर्विस मैनों को उनके साथ लीजिए, पढ़े लिखे युवा कुछ में जुड़े। और एक बात मैं उदाहरण भी आपको देना चाहूंगा,